नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 28 जनवरी 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें। इस है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में एक्शन में सुक्खू सरकार के मंत्री। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्री एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सड़क व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए कड़े कदम उठाना शुरू कर दिए है। नई परमिट प्रणाली बनाएंगे, युवाओं को मिलेगा रोजगार, मुकेश अग्निहोत्री। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ते हुए 150 इलेक्ट्रिक बसों को शीघ्र ही हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में शामिल किया जाएगा। युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए नई परमिट प्रणाली बनाई जाएगी, जिसके तहत युवाओं को निजी बसों के परिचालन का अवसर मिलेगा। ऊना के रामपुर में HRDC वर्कशॉप, चालक प्रशिक्षण केंद्र एवं इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में मंदिरों के विकास के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। ऊना जिले के प्रमुख धार्मिक स्थल माता श्री चिंतपूर्णी जी के मंदिर परिसर को भव्यता प्रदान कर नए मास्टर प्लान के तहत कार्य किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बोले, IGMC टांडा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को दी जाएगी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में जनता को श्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। IGMC टांडा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा दी जाएगी। इन संस्थानों में अतिरिक्त मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी की जाएगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, निजी स्कूलों पर नकेल कसने को शीघ्र तैयार होगा प्रारूप। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी का मुद्दा आगामी रिव्यू मीटिंग के एजेंडे में शामिल किया जाएगा, जिससे निजी स्कूलों संबंधित प्रारूप तैयार कर मनमानी करने वाले स्कूलों पर नकेल कसने के लिए प्रारूप तैयार किया जाएगा। कृषि मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, बागवानों को घर द्वार पर मिलेगी उन्नत किस्म की विदेशी सेब की नर्सरी। प्रदेश बागवानी एवं जनजाति विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने रिकांगपियो में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सेब के कार्टन पर लगे 18% GST को कम करने के मुद्दे को भी केंद्र सरकार से उठाया जाएगा, ताकि बागवानों को राहत मिल सके तथा बागवानों और विधायकों से राय लेकर यूनिवर्सल कार्टन को लागू करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बागवानों को घर द्वार पर उन्नत किस्म की विदेशी सेब की नर्सरी उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि वे अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सके। विक्रमादित्य सिंह बोले, सड़कों को सुधारने के लिए जल्द नितिन गडकरी से होगी मुलाकात। सर्किट हाउस कुल्लू में लोक निर्माण और युवा सेवाएं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 1 और 2 चरण के बाद अब PMGSY का 3रा चरण शुरू हुआ है। अब इस चरण के तहत प्रदेश में सड़कों का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही प्रदेश की सड़कों को सुधारने के लिए नितिन गडकरी से मुलाकात की जाएगी। बड़ी खबर, हिमाचल में परिवार में सिर्फ एक महिला को मिलेंगे 1500 रूपए। हिमाचल में महिलाओं को हर महीने 1500 रूपए देने की घोषणा को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाएगी कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक शुक्रवार को सब कमेटी के चेयरमैन एवं कैबिनेट मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में हुई। इसमें अन्य 2 मंत्री चंद्र कुमार और अनिरुद्ध सिंह भी शामिल थे। बैठक के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने इस योजना को लेकर फॉर्मूले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना को लागू करना सरकार की प्राथमिकता और 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल 68,64,602 की आबादी में से कुल 33,82,739 महिलाएं इस प्रदेश में हैं। प्रदेश सरकार 18 से 59 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 1500 रूपए प्रदान करेगी, लेकिन इसके लिए पात्रता का फॉर्मूला भी बनाया जाएगा। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अनुसार इस आयु वर्ग में 2022 तक कुल महिलाएं 22,40,492 थी। मंत्री ने बताया कि पहले चरण में 18 से 25 साल तक की महिलाओं को 1500 रूपए देने का फैसला हो सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय कैबिनेट ने लेना है। इसके लिए 75,000 रूपए वार्षिक पारिवारिक आय को आधार बनाया जा सकता है। यदि ऐसा हो तो पहले चरण में 18 से 25 साल के बीच सिर्फ 2,28,655 महिलाओं को ये पैसे देने पड़ेंगे और वार्षिक खर्च 411 करोड़ रूपए आएगा।
ऐसा इसलिए क्योंकि इस आयु वर्ग में कुल महिलाओं की संख्या 457,309 है, लेकिन आय सीमा की शर्त लगाने के बाद ये संख्या करीब आधी हो जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि परिवार में महिलाएं चाहे कितनी भी हो, ये सम्मान राशि एक परिवार में एक महिला को ही मिलेगी। यदि सब महिलाओं को यह धनराशि देनी हो तो हर साल 4,000 करोड़ रुपए चाहिए, जो संभव नहीं लगता है। इसलिए पात्रता की बहुत सी शर्तें अभी तय होना बाकी है। सरकार क्या सिर्फ बीपीएल परिवारों के लिए ऐसा करे, ये भी एक संभावना है। इस योजना को लागू करने के लिए अभी सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार चल रहे, उसके बाद स्कीम फाइनल होगी। सीएम सुख बोले, आशा कार्यकर्ताओं की मांगों पर किया जाएगा विचार। प्रदेश आशा वर्कर यूनियन के एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को शिमला में अध्यक्ष सत्य रांटा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की है। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि आशा कार्यकर्ताएं प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने न्यूनतम मानदेय निर्धारित करने और उनके लिए नीति बनाने की मांग रखी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड महामारी के दौरान उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी मांगें पूरी करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं के विभिन्न कार्यक्रमों और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को जमीन स्तर पर सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के प्रयासों की सराहना की और उनकी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। सुरेश कश्यप बोले, सरकार सीमेंट विवाद नहीं सुलझा सकती है तो खड़े खड़े हाथ, हम हल करवाएंगे मामला। सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि सरकार सीमेंट विवाद हल करने में सक्षम नहीं है तो वे हाथ खड़े कर दे, हम इस मामले को केंद्र सरकार से उठाएंगे और हल भी करवाएंगे। कश्यप शुक्रवार को दारला घाट में ट्रक ऑपरेटरों के धरने में पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग अदानी की भाजपा से नजदीक के बता रहे और कह रहे कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आने पर हिमाचल में उद्योग बंद किए गए, ये गलत है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है। अदानी का जितना कारोबार वहाँ है उसके मुकाबले हिमाचल में 5% भी नहीं है। सरकार को इस विषय पर गंभीरता दिखानी चाहिए, इस समस्या को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रक ऑपरेटर कई दिनों से आंदोलन कर रहे, अंबुजा सीमेंट प्लांट ने कंपनी में ताला लगा दिया है, सरकार ताला खुलवाने में असमर्थ रही है। वे सांसद होने के साथ ट्रक ऑपरेटरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप कर इसे जल्द सुलझाएं। प्रतिभा सिंह बोली, कोल सिंह चुनाव जीते होते तो आज सुक्खू की जगह होते सीएम। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता कोल सिंह ठाकुर विधानसभा चुनाव जीत गए होते तो वे आज सीएम सुक्खू की जगह वे मुख्यमंत्री होते। प्रतिभा सिंह ने पद्र में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रतिभा ने कहा कि प्रदेश में भले ही कांग्रेस सत्ता में आ गई, लेकिन द्रांग विधानसभा सीट हारने का बहुत दुख हुआ है। अफसोस की बात है कि 8 बार विधायक, 4 बार मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और पार्टी अध्यक्ष रहे कोल सिंह को द्रांग के मतदाताओं ने हरा दिया। उन्होंने खुलासा किया कि सीएम सुक्ख के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कोल सिंह ठाकुर उनको रास्ते में मिले थे। उस दौरान मैंने कहा था कि आप चुनाव जीते होते तो आप सीएम की शपथ ले रहे होते। इस पर कोल सिंह ने कहा था कि ये भाग्य की बात है। हर्षवर्धन चौहान बोले, सिंगल विंडो प्रणाली खत्म कर बनेगा नया प्राधिकरण। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि हिमाचल में सिंगल विंडो प्रणाली खत्म कर प्रदेश में नया प्राधिकरण बनेगा। सिंगल विंडो प्रणाली से निवेश में गति नहीं आ रही है। सरकार निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी अधिकार प्राधिकरण को देगी। जमीन के लिए 118 से लेकर अन्य मंजूरी भी प्राधिकरण ही देगा। उद्योग मंत्री ने सचिवालय में शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार 5 साल की अवधि में 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देगी। आगामी वित्तीय वर्ष में 20 विभिन्न विभागों में 20,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। शिक्षा विभाग में प्री प्राइमरी शिक्षकों के 4,500 पद रिक्त थे और शिक्षा विभाग से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। हर्षवर्धन चौहान बोले, ट्रक ऑपरेटरों के हितों की रक्षा करेगी सरकार। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि सरकार दारला घाट और बुरमाना में सीमेंट ढुलाई करने वाले ट्रक ऑपरेटरों के हितों की रक्षा करेगी। इन लोगों ने सीमेंट प्लांट के लिए अपनी जमीन दी थी, इसके एवज में इन्हें सीमेंट ढुलाई का काम दिया गया। सरकार रेट को लेकर अधिसूचना जारी करेगी। ट्रक ऑपरेटरों का आंदोलन 44 दिन से जारी है, उनकी मांगे अभी मानी नहीं गई है। उद्योग मंत्री ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि डीजल और ट्रकों के रख रखाव का खर्चा बढ़ा है, ऐसे में अदानी समूह के रेट पर सीमेंट ढुलाई संभव नहीं है। सरकार का सीमेंट प्लांट प्रबंधन को परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। सरकार दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाने के लिए मध्यस्थता का काम कर रही है। ये विवाद दोनों पक्षों के बीच का है।
विक्रमादित्य सिंह बोले मनाली में विकसित होगी स्की रिजोर्ट, जल्द करेंगे गडकरी से मुलाकात। लोकमान विभाग एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में खराब हुई सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सड़कों की मरम्मत के लिए धन का प्रावधान नाबार्ड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं राज्य सरकार करेगी। वे जल्द केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। विक्रमादित्य ने शुक्रवार को मनाली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हिमाचल में शीतकालीन खेलों की अपार संभावनाएं हैं। मनाली में स्की रिजोर्ट जैसी सुविधाएं होना जरूरी है, सरकार इसकी संभावनाएं तलाशेगी। जगत सिंह नेगी बोले किन्नौर में बाहरी राज्य के लोगों ने खरीदी संपत्ति, होगी जांच। राजस्व बागवानी और जनजाति विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जनजाति जिला किन्नौर में बाहरी राज्य के लोगों ने जो जमीन और मकान खरीदे है उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। हिमाचल में भाजपा सरकार बनने के बाद किन्नौर में संपत्ति के हस्तांतरण कानून का हनन हुआ है, जल्द पूरी जानकारी जुटाकर उचित कार्यवाही की जाएगी। HS मुख्य लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को ई एडमिट कार्ड जारी। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा HS आदि संयुक्त प्रतियोगी मुख्य लिखित परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवारों के ई एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। उम्मीदवार लॉग इन कर अपने एडमिट कार्ड और जरूरी जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं। अलग से एडमिट कार्ड उम्मीदवारों को नहीं भेजे जाएंगे। मनसुख मांडवीय बोले बूथ जीतो चुनाव जीतो सिद्धांत पर कार्य करें, बड़े अंतर से जीतेंगे मंडी सीट। लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंडी संसदीय क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। बैठक जिला परिषद भवन में हुई। उन्होंने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में केंद्र में पुनः भाजपा की सरकार बनेगी, मंडी संसदीय क्षेत्र में भी पार्टी बड़े अंतर से जीतेगी। कार्यकर्ता आज से जुट जाए, भाजपा का हर कार्यकर्ता अपने बूथ को सशक्त करे और बूथ जीतो चुनाव जीतो सिद्धांत पर कार्य करे। बेरोजगार कला अध्यापक संघ ने मांगी नियुक्तियां, पोस्ट को 980 के तहत लीगी परीक्षा न की जाए रद्द। बेरोजगार कला अध्यापक संघ का प्रतिनिधि मंडल सभी जिला मुख्यालयों में पोस्ट कोड 980 के अंतर्गत लेगी ड्राइंग टीचर परीक्षा के परिणाम घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, विधानसभा अध्यक्ष और भूपेन्द्र मंत्री से मिला। धर्मशाला में उन्होंने कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार से भेंट की और पोस्ट कोड 980 के तहत लेगी परीक्षा को रद्द न करने का आग्रह किया, क्योंकि इस वर्ग की परीक्षा बहुत समय के बाद आयोजित की गई थी। अगर इसे फिर से आयोजित करने का निर्णय लिया जाता है तो ये पहले की तरह कई वर्षों से बेरोजगारी झेल रहे बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा।